फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं ओनली हुंडई ऑरा की टॉप स्पीड कितनी ये भगेगी। एंड हम लोग आज हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे, तो देखेंगे कितनी जाती है इसकी टॉप स्पीड। ये नहीं है अभी, समथिंग 1200 किलोमीटर चली है। सो देखेंगे क्या क्या इसकी स्पीड है, और CNG पे टेस्ट होने वाला है कि CNG पे कितना दौड़ जाएगी। तो यही आज हमारा वीडियो रहेगा। तो अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर, फिर देखते हैं कितनी तेज दौड़ती है हमारी ओनली हुंडई ऑरा 2022। सो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखेंगे, पूरी ये नहीं है एंड ये समथिंग 1000 प्लस चली है। तो अंदर चलते हैं, इसके फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह भी अगर देखेंगे तो काफ़ी फिट फिनिश मिल जाती है। की को लगा के ऑन करते हैं इसका इंजन। ये यहाँ पे देख सकते हैं पूरा टेस्ट हम लोग का CNG पे होगा। यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, पास से दिखाना जरा जूम करके। ये लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको CNG दिख रही है, अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पेट्रोल शो होगा। तो आज ये पूरा टेस्ट CNG पे होने वाला है। सो देखते हैं कितनी क्या जाती है। सीट बेल्ट लगा लो भाई। ये जो टॉप स्पीड आप देखने वाले हैं, सो अभी हम लोग चल दिए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जैसा कि आप ऑरा का देख रहे हैं ये CNG वेरिएंट है, एस सेकंड बेस वेरिएंट, जिसकी आप हम लोग टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं। एंड यहां पे पेट्रोल पे नहीं, सिर्फ CNG पे टेस्ट की जा रही है। अगर पेट्रोल पे किया जाता है तो वहाँ पे आपको पिकअप एंड पावर ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पे CNG पे कुछ स्पीड कमी रहती है। बिकॉज CNG पे जानते ही आप, इसमें जो टॉर्क एंड पावर वगैरह है आपको कम मिलती है। सो ये 2 महीने पुरानी है। यहाँ पे अगर आप रीडिंग देखेंगे तो अभी 1270 किलोमीटर के आसपास ये चल चुकी है, लगा सकते हैं। बट इसकी जो स्पीड लिमिट है, आप कभी भी इसको अगर चलाते हैं तो 80-100 रखें, इससे ज़्यादा ना चलाएं। और अभी देख सकते हैं मैंने इसमें थर्ड गियर लगा दिया, 40 प्लस ये जा चुकी है और चलने में तो काफ़ी स्मूथ है। एंड ये 60 क्रॉस करते हुए, और यहाँ पे गियर सेफ्टिंग भी काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जिनके पास हुंडई की कार है वो जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 100 समथिंग पहुँचने वाली है। और एक बार आपको फ्रंट का पूरा व्यू दिखाते हैं इस हाईवे का, तो ज़रा सामने कैमरा करिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, काफ़ी सेफ हाईवे की इस वजह से मैं इसको सेफ बोल रहा हूँ, बिकॉज बीच में जो पूरा देखेंगे बैरिकेटिंग है, तो इधर से उधर कोई आ जा नहीं सकता, कट वगैरह आपको कुछ नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे 100 क्रॉस हो चुकी है और ये पूरा CNG पे टेस्ट ड्राइव होने वाला है। अगर आप पेट्रोल पे लगाएंगे तो वहाँ पे आपको पावर वगैरह ज़्यादा जनरेट होती है, तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 क्रॉस कर रही है हमारी कार, और काफ़ी स्मूथ चल रही है, और हाईवे इतना बेहतरीन है तो इस पर भाई और अच्छे से भाग रही हो। यहाँ पे कोई भी उस तरह का आपको यहाँ पे ये नहीं मिलेगा, कोई कट वगैरह तो थोड़ा रिस्क तो रहता है, बट आपको भगाना नहीं है इस स्पीड में। मैं टॉप स्पीड की वजह से मैं इतना भगा रहा हूँ। यहाँ पे 120 पहुँचने वाली है, और जैसे ही कार हमारी 120 पहुँची तो यहाँ पे स्पीड अलर्ट सिस्टम आपको इंडिकेट करता है कि स्पीड ओवर हो रही है, तो आपको स्लो कर लेना चाहिए। देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे आगरा एक्सप्रेस वे देखने को मिल जाता है, जो लखनऊ को आगरा से जोड़ता है। और यहाँ पे 140 पहुँच चुके, 140 की ये टॉप स्पीड मैं टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी मतलब शेक होने लगती है, तो इस वजह मैं इसे तेज भगाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी, तो इसलिए मैं इतनी इसको भगाऊंगा। और अभी नहीं है तो थोड़ा स्पीड का भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप ये फ्रंट का पूरा मज़ा लीजिए इस हाईवे का, और इसके बाद जब ये थोड़ी चल जाएगी समथिंग 5-10 हज़ार, तब मैं दूसरा इसका टॉप स्पीड टेस्ट करूँगा। तो अभी के लिए 140 इसके लिए काफ़ी है। सो यही है हमारी भाई टॉप स्पीड ओनली हुंडई ऑरा CNG की, और चली तो और भी जाएगी बट मैं भगाऊंगा नहीं। तो मुझे तो भाई काफ़ी बेहतरीन लगा इसको चलाने के बाद, काफ़ी बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस लग रही है। बस थोड़ा सा दबती है पेट्रोल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 120 पे भी देख रहे हो किस तरह इंडिकेट करती है, मतलब बीप बीप की यहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है इसकी, क्योंकि इसके ऊपर भगाने का मतलब है रिस्क है। इस वजह से इससे तो हमेशा नीचे ही चलना है, इसके ऊपर कभी भी नहीं जाना है। और टॉप स्पीड का मतलब ये नहीं कि आप इतनी चलाएं, उसका मतलब ये है कि कितनी आपकी गाड़ी भाग सकती है, और आपकी जो स्पीड है आप 80 से 100 के अंदर ही चलाएं, क्योंकि उससे ज़्यादा चलने पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जा रहा था कि आप जान सके इसको कितनी तेज़ आप इसको दौड़ा सकते हैं, बट ये दौड़ाने की स्पीड ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। एक तरह से ये आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आप इतना तक इसको ले जा सकते हैं, बट यहाँ पर इतना बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। एंड इस स्पीड में अगर गाड़ी डिसबैलेंस होती तो संभाल नहीं सकते। यहाँ पर काफ़ी बड़े से देखेंगे भोलेनाथ जी हमारे फ्रेंड डैशबोर्ड पर बैठे हुए विराजमान है। तो काफ़ी बढ़िया सा ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। एंड ड्राइव के मामले में तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। यहाँ पे देख रहे हैं 100 की स्पीड से एकदम पता ही नहीं चलता आप किस स्पीड में इस हाईवे पे चल रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बता दूँ आपको, इसकी स्पीड लिमिट जो है 100 की है इस आगरा एक्सप्रेस वे की, बट यहाँ पे ज़रा सा मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई है 1-2 मिनट के लिए, बाकी मैं इसकी लिमिट में ही चल रहा हूँ। तो यहाँ पे गियर वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो यही है हमारा आज का वीडियो ओनली हुंडई ऑरा की टॉप स्पीड। एंड अब आपको इसके बाद देखेंगे तो आपको हुंडई क्रेटा का भी आपको टॉप स्पीड का पूरा वीडियो दिखने वाला है इस चैनल पे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें, काफ़ी बढ़िया सा आपको हमें मिल जाता है मेडी स्क्रीन में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो आपको काफ़ी बढ़िया CNG पे माइलेज भी मिल जाएगा। सो अभी चलते हैं हम लोग बाहर।
सो यही था हमारा आज का वीडियो ऑल न्यू हुंडई ऑरा टॉप स्पीड का, जिसमें आपने इसकी टॉप स्पीड देखी 140 तक तो इजीली चली जाती है, इससे ज़्यादा भी आप इसको ले जा सकते हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सुनील फिरता हूँ अगली वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।